किंचो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फूड वॉलेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए बनी है। दोस्तों, ये ग्रेनोला मार्केट में इजीली आजकल अवेलेबल होती है, बट आप ये बहुत, एक तो नंबर वन एक्सपेंसिव बहुत होती है, और दूसरा कि ये इसमें शुगर एंड बटर एंड ऑयल, ना जाने कौन कौन सी अनहेल्दी चीज़ें डाली हुई होती है। बट आज हम हेल्दी वे से ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रही है। और दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलो ग्रेनोला की रेसिपी शुरू करते हैं। ग्रेनोला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सिरप प्रिपेयर करेंगे। तो ये सिरप बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ों की आवश्यकता होगी, उसमें से सबसे पहले तो हम एक छोटा सा पैन स्टोव पे रख देंगे और इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप पानी। और इसी के साथ मैं मिला रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के हनी। हनी की मात्रा आप ग्रेनोला के लिए जो भी मूसली ले रहे हो ना, जो भी ओट्स ले रहे हो, उसके मुताबिक डालनी होगी। इसमें 1 टीस्पून जितना मैंने बटर डाला है, ये टोटली ऑप्शनल है। ये बटर जैसे ही मेल्ट होता है, हम एक बड़ा वाला मिक्सिंग बाउल लेंगे। और इसके साथ मैंने इसके अंदर लिया हुआ है ये रोल्ड ओट्स। दोस्तों, ये कोई भी सुपरमार्केट में इजीली अवेलेबल है एंड ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हो। ये रेगुलर वाला जो ओट्स हम मंगवाते हैं ना घर पे, वो नहीं लिया हुआ है मैंने, ये रोल्ड ओट्स है। अब ये सिरप जो मैंने प्रिपेयर किया है वो धीरे धीरे इसके अंदर डाल देंगे हम, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, इस तरह से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। ताकि ये हनी का जो मीठापन है ना, वो सारे ओट्स के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए। अब ये नट्स में ले रही हूँ। नट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो। मैंने सारी चीज़ें मिला के 1 कप भर के लिया हुआ है, जिसके अंदर अखरोट, बादाम एंड काजू तीनों चीज़ें हैं। इसको भी इसके साथ मिला लेंगे ताकि नट्स भी इसके साथ अच्छे से क्रंची हो जाए। और दोस्तों, आप मल्टी सीड्स भी ले सकते हो। ये ग्रेनोला देखो अभी बेकिंग के लिए तैयार है। 180 डिग्री पर OTG को मैंने प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए, और ग्रेनोला इसमें डाल दिया है। हर 10 मिनट में इसे हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये जले ना। ये 45 मिनट के बाद मैंने इसे बाहर निकाला है और ये ठंडा हो चुका है और बहुत ही क्रंची भी हो गया है। अब ये मिक्स बेरीज दोस्तों आती है मार्केट में रेडीमेड, और इसी के साथ सीड्स भी मिले हुए हैं, देख सकते हो, जिसके अंदर सभी टाइप के सीड्स भी मिले हैं, जिसमें पम्पकिन सीड्स भी है, सनफ्लावर सीड्स भी है, और ये और भी बहुत सारे सीड्स के साथ मिले हुए रेडीमेड इजीली अवेलेबल है। सीड्स आप कच्चे नहीं ले सकते दोस्तों, कच्चे हो तो आप इसे इसी के साथ मिला देना ओट्स के साथ, ताकि ये भी रोस्ट हो जाए। अब रेजिन्स भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, और ये सारी चीज़ें ये बन जाने के बाद डालना है, वरना ये सब चीज़ें आपकी जल सकती है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा ग्रेनोला देखो चुटकियों में बन के रेडी हो चुका है। कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं करनी है दोस्तों। OTG ना हो तो आप कढ़ाई में भी घर पे इसी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। बस आंच को मीडियम हीट पे हमें रख के इसे हल्के हाथों सेकना रहता है। देखिए, हमारा ग्रेनोला फटाफट बन के रेडी हो चुका है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है दोस्तों। यकीन मानिए, आप एज अ ब्रेकफास्ट इसे ऐसे ही खा सकते हो। मेरे घर में तो बहुत बनता है, क्योंकि मेरे बच्चों को और हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं इसे लेती हूँ या तो कर्ड के साथ, या तो आप मिल्क के साथ मिलाकर भी इसे ब्रेकफास्ट, या तो लंच डिनर कोई भी टाइम इसे ले सकते हैं।
तो ये एकदम चुटकियों में और एकदम हमें रिजनेबल प्राइस में घर में ये हमारा ग्रेनोला बन के रेडी हो जाता है दोस्तों। तो आगे से आप भी मार्केट से मत खरीदना, अपने घर पे इसे और प्रिपेयर। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि आप 6 महीने तक इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के घर के अंदर स्टोर भी कर सकते हो और कभी भी मन चाहे आप इसे खा सकते हो। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी एक नई हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आओ जो।